बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में महिलाओं को कम तवज्जो दी गई है। पार्टी ने 177 में से सिर्फ 16 महिलाओं पर भरोसा जताया है, जबकि 8 महिला विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट को अगर देखा जाए तो पार्टी ने महिलाओं पर कम भरोसा जताया है। 177 उम्मीदवारों की सूची में सिर्फ 16 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जबकि महिला विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। बीजेपी ने जिन महिला विधायकों का पत्ता साफ किया है उनमें सबसे ऊपर और पहला नाम शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री माया सिंह का है, जो पुरानी नेता है और ग्वालियर पूर्व से विधायक है, लेकिन पार्टी आला कमान ने उन पर भरोसा नहीं जताया। दूसरा नाम सुर्खी से विधायक पारुल साहू का है। इनका टिकट काट कर किसी महिला के बजाय सुधीर यादव को टिकट दे दिया गया है। पृथ्वीपुर से विधायक अनीता सुनील नायक को भी इस बार टिकट नहीं दिया गया है। सीमरिया से नीलम अभय मिश्रा भी टिकट की दौड़ में पीछे छूट गई है। उनका टिकट केपी त्रिपाठी को थमा दिया गया है। जयसिंह नगर से प्रमिला सिंह की जगह जयसिंह मरावी को टिकट दिया गया है। सैलाना से विधायक संगीता विजय चारेल भी टिकट की रेस में पीछे छूट गई। उनका टिकट नारायण मेदा को दे दिया गया है। बीजेपी की एक और विधायक योगिता नवल सिंह को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। साथ ही लिस्ट में 16 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। इनमें शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया, धार से नीना वर्मा, मनावर से रंजना बघेल को उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही बुरहानपुर से अर्चना चिटनीस, नेपानगर से मंजू दादू, देवास से गायत्री राजे पनबन, घोड़ा डोंगरी से गीता बाई उइके को टिकट दिया गया है। भैयर से अनुपमा नेता, सिहोरा से नंदिनी मरावी, बरगी से प्रतिभा सिंह, मानपुर से मीना सिंह, जेतपुर से मनीषा सिंह, मलहरा से ललिता यादव, छतरपुर से अर्चना सिंह, चाचोड़ा से ममता मीणा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।